एक न्यूज चैनल के नाते, एक पत्रकार के नाते हमने आम आदमी का जो मुद्दा उठाया उसको अंजाम तक ले जाना है। अरविंद केजरीवाल जी को आज नहीं तो कल जनता के करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची और सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग के आरोपों का जवाब देना ही होगा, और इसलिए वादे के मुताबिक आज हम लेकर आए हैं ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 6। आज देश केजरीवाल जी के शीश महल की वो तस्वीरें देखेगा जिन्हें न दिखाया जा सके, इसके लिए सर जी के पूरे सिस्टम ने जोर लगा दिया, जिन्हें आपके सामने आने से रोकने के लिए ही भावना और हमारी टीम को एक तरह से टॉर्चर किया गया। इन्हीं तस्वीरों को रोकने की वजह से दिल्ली से लेकर पंजाब तक हमारी टीम से बदला लिया जा रहा था, लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था कि कोई और चैनल दिखाए ना दिखाए, टाइम्स नाउ ना भारत को शीश महल का सच दिखाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 6 में जो नया खुलासा करने जा रहे हैं, उसमें शीश महल के अंदर की वो तस्वीरें जो अब तक सामने नहीं आई थी। शीश महल की कुछ और तस्वीरें और वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके, लेकिन आज हम जो तस्वीरें दिखाएंगे वो हमारी और आपकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा भव्य शीश महल की तस्वीरें। आज हम शीश महल की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर देश के हर आम आदमी को लगेगा कि शीश महल के सामने तो 5-स्टार फेल है बॉस, 7-स्टार की लग्जरी होटल फेल है। जो हमें शीश महल की नई तस्वीरें मिली हैं उसमें वो दिखता है। आज पहली बार आपको अरविंद केजरीवाल के शीश महल का वो शाही बेडरूम दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको चक्कर आ जाएगा, आपको अपने बेडरूम में नींद आनी बंद हो जाएगी, और उस बेडरूम में वो पर्दे भी बहुत करीब से दिखाऊंगा जो एक एक पर्दा 8 लाख रुपए का बताया गया है। आज पहली बार देश की डिमांड थी बॉस कि अरविंद केजरीवाल जी के घर के वो 4 लाख के टॉयलेट सीट दिखाइए, वो कमोड दिखाइए। आज पहली बार आपको वो टॉयलेट सीट दिखाऊंगा जो 4-4 लाख रुपए में केजरीवाल जी के शीश महल के वॉशरूम में लगाया गया, और अभी तक तो टॉयलेट सीट की चर्चा थी। आज आप शीश महल के अलग अलग वॉशरूम की तस्वीरें देखेंगे तो खुद कहेंगे कि बॉस ऐसे वॉशरूम तो 5-स्टार होटल में भी नहीं होते। आज आपको शीश महल के अंदर का वो बाथटब दिखाऊंगा जिसमें केजरीवाल जी बैठकर, खड़े होकर या फिर लेटकर नहाते होंगे, बाथटब लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल जी के वॉशरूम में वो चीज भी लगी है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि केजरीवाल जी ने बाथरूम में लगवाई होगी। वो चीज क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये सब तस्वीरें आज ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 6 में आपको दिखाने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बड़ी पावर मिल गई। केजरीवाल सरकार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का फुल कंट्रोल मिल गया है। एलजी और दिल्ली सरकार में शक्तियों के टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के मामलों के अधिकार जो हैं वो केंद्र के पास रहेंगे, जबकि प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल रहेगा। अब केजरीवाल साहब को पावर तो मिल गई, लेकिन पब्लिक के मन में सवाल उठ रहा है कि आप यह सोचिए कि जब पावर कम थी तब 45 करोड़ रुपए बंगले पर लगा दिए गए थे, शीश महल बना लिया गया था, अब तो फुल पावर है तो क्या शीश महल अब 100 करोड़ रुपए का भी बन सकता है क्या? आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कम पावर में 45 करोड़ का शीश महल बनता है तो ज्यादा पावर के साथ न जाने कितने करोड़ का बनेगा फिर। और जिस आदमी के पास अब तक कम पावर थी उसने अपने सरकारी बंगले को कैसे शीश महल बना दिया और शीश महल के अंदर क्या क्या लगवा दिया, आज आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। सबसे पहले मैं आपको शीश महल के वॉशरूम में यानी बाथरूम में क्या क्या लगा है वो दिखाना चाहता हूं कि आप सोचिए, आपका हमारा पैसा बेसिन में, कमोड में, बाथटब में कैसे बहा दिया गया, आज आपको देखना चाहिए। पहली बार देश देखेगा अरविंद केजरीवाल के शीश महल का वॉशरूम, और ये वॉशरूम आप जो देख रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी के घर का वॉशरूम है, और आप इसको देखकर कहेंगे कि ये किसी आम आदमी के सीएम के घर का वॉशरूम है? 5-स्टार होटल फेल है बॉस, इसको देखिए जरा। आप आम आदमी कहां जाता है? वैष्णो देवी चला जाता है दर्शन कर, शिरडी चला जाता है,
इधर मंदिर उधर मंदिर चला जाता है, कहीं घूमने चला जाता है, वहां ऐसा बाथरूम कहीं मिला है होटल में आपको? ये शीश महल के वॉशरूम की पहली तस्वीर दिखा रहा हूं, अभी तो आगे वो दिखाऊंगा जो आप देखेंगे तो शॉक लगेगा। 4 लाख वाले कमोड की भी तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, ये वॉशरूम नहीं बॉस, ये एक एक वॉशरूम अपने आप में लग्जरी जीने वाली कहानी बयां कर रहा है। वॉश बेसिन देखिए भाई, सामान्य घरों में ऐसा महंगा और आलीशान वॉश बेसिन नहीं लगता। ये हाई एंड वॉश बेसिन है जिसमें आप हाथ धोते हैं। आपके करोड़ों रुपए से तो आप हाथ धो चुके, वो तो चला गया शीश महल को बनाने में, लेकिन केजरीवाल जी के घर में लोग इसी वॉश बेसिन में हाथ धोते हैं। डिजाइनर लाइटिंग लगी हुई है, जो शीशा लगा है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी अपना चेहरा देखते होंगे, वो शीशा देखिए कितना भव्य शीशा लगा हुआ है। उस मिरर के पीछे से भी लाइट निकल रही है ताकि ग्रैंड लुक आ सके। ये है केजरीवाल जी का बाथरूम का, ये बाथरूम की एक तस्वीर। अभी धैर्य रखिए, बहुत कुछ देखना बाकी है। और बाथरूम में ऐसी चीज भी लगी है जो आप सोच नहीं सकते कि केजरीवाल जी के बाथरूम में लगी होगी, वो अभी आगे दिखाऊंगा आपको। वॉशरूम की अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, ये किसी दूसरे वॉशरूम की तस्वीर है जो उसी शीश महल के अंदर है। वॉशरूम के अंदर जाते ही सबसे पहले नजर आएगी बड़े बड़े, आपकी नजर जाएगी बड़े बड़े शीशों पर। ये डिजाइनर मिरर में केजरीवाल जी खुद को रोज देखते होंगे और शीश महल के महाराजा टाइप की फीलिंग आती हो। आम आदमी के घर में ऐसा शीशा लगता है क्या बॉस? ये तो वो कहानियों वाला शीशा लग रहा है जिसमें पूछा जाता था, ये आईने बता क्या मेरे जैसा कोई मुख्यमंत्री है क्या, और वो कहता था नहीं बॉस। ऐसा ही जवाब शायद मिलता होगा इतना बढ़िया आलीशान शीशा लगाने पर। एक नहीं है, इसके पीछे से लाइट मार रहा है, इसमें केजरीवाल जी का चेहरा चमक कर बाहर आता होगा, क्या मजा आ गया। आपको तीसरी तस्वीर दिखाता हूं, ये वॉश बेसिन के आसपास के एरिया की तस्वीरें हैं, ये दूसरे एंगल से ली गई तस्वीर है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो डिजाइनर मिरर की लाइटिंग इस तरह से की गई है कि आपका चेहरा भी चमके और लाइट आपकी आंखों में भी ना जाए। और एक नहीं, दो दो चेहरे हैं, दो दो मिरर लगा हुआ है, बड़ा मिरर भी है छोटा मिरर भी है। आम आदमी कहां ऐसे मिरर के ख्वाब देखता है। एक शेविंग मिरर भी नीचे लगा हुआ है जिसमें चेहरा देखकर शेविंग या मेकअप भी किया जा सकता है। ये तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आप उस सोच को समझिए कि केजरीवाल वो एलीट क्लास वाली जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें मिरर भी डिजाइनर, क्योंकि लगाने को तो सामान्य शीशे भी लगाए जा सकते हैं। आम आदमी के घर में तो 50 रुपया का भी शीशा लग जाता है, मुख्यमंत्री थे तो कुछ और का भी लगा लेते, लेकिन ये शीशे न जाने कितने हजार के आए होंगे। हो सकता है इन शीशों में चेहरा देखने पर आप भावी प्रधानमंत्री की तरह दिखते हो, इसलिए केजरीवाल जी ने लगाया। लेकिन ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि किसी को सरकारी बंगला बनवाने से दिक्कत नहीं है, बल्कि इस तरह के अनाप शनाप खर्च पर दिक्कत है। और ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं कि अब भी क्या अरविंद केजरीवाल जी चुप बैठेंगे जब देश को यह अनाप शनाप खर्च आम आदमी के टैक्स पेयर के पैसे से होता दिख रहा है। आपको चौथी तस्वीर दिखाता हूं, इसमें वॉल साइज मिरर लगा हुआ है, ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक मिरर ही मिरर है। डिजाइनर टैप दिख रहा है, डिजाइनर वॉश बेसिन के नीचे हाई क्वालिटी मार्बल स्लैब है, ओह जकाझक, इसमें तो मुंह धोने का ही आनंद है। हाई फाई क्वालिटी कैबिनेट भी नीचे बना हुआ है, अभी थोड़ी देर में टॉयलेट सीट भी दिखाऊंगा। अरे भाई जब ऐसा ऐसा बाथरूम बना है तो इसमें तो सस्ता कमोड लगता तो बेचारा कमोड शर्मा जाता, इसलिए शायद सर जी को मजबूरी में 4-4 लाख के कमोड लगवाने पड़े होंगे। केजरीवाल जी के शीश महल में जितने वॉशरूम हैं सब अलग अलग डिजाइन में बने हुए हैं। शीश महल के वॉशरूम की 5वीं तस्वीर देखिए, ये वॉशरूम देखिए, इसमें आपको बेदिंग एरिया में रूफ पर हाई एंड शावर लगा हुआ दिखेगा। शावर के पानी का तापमान और पानी गिरने की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए देखिए कितने वहां पर नॉब लगे हुए हैं, मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं। यहां आम आदमी मग्गे से नहा रहा है, बाल्टी से नहा रहा है। शीश महल में देखिए 5 तो बटन है, आदमी पागल हो जाए, क्या घुमाऊं तो क्या फेंक देगा। लेकिन ये कमाल का शीश महल का बाथरूम है बॉस, इसके बाद भी
जवाब नहीं दिया जाता अब सवाल पूछने पर, सवाल पूछने से बचने के लिए जेल भेज दिया जाता है। वॉशरूम की एक और तस्वीर देखिए, इसमें भी वॉल साइज मिरर फिट है, महंगा वॉश बेसिन लगा हुआ है, सामान रखने के लिए बढ़िया कैबिनेट लगा हुआ है, डिजाइनर लैंप लगा हुआ है ताकि अंदर से अच्छा फील आए जो बाथरूम जाए। केजरीवाल जी के शीश महल के हर बाथरूम को ऐसा लगता है 5-स्टार होटल की तरह बनाया गया है। कैसे अलग अलग तरह के हैंगिंग लैंप लगे हुए हैं, वॉशरूम में फैन भी लगा हुआ है, फॉल्स सीलिंग की गई है। केजरीवाल जी के शीश महल में इस तरह के कुल 15 वॉशरूम बने और सब में इसी तरह से शानदार फिटिंग और डिजाइनर सामान लगा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल के शीश महल के जिन 4 लाख के कमोड की चर्चा थी, लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था कि केजरीवाल जी के बाथरूम में कुछ ऐसा भी लगा हुआ है जो आप सोच नहीं सकते कि केजरीवाल जी के बाथरूम में लगेगा। वो क्या है, वो जानने के लिए कि ऐसा क्या लगा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आपको पहले केजरीवाल जी का एक पुराना बयान सुनना होगा जो उन्होंने दिल्ली की तब की सीएम शीला दीक्षित के घर और दफ्तर के लिए दिया था, फिर केजरीवाल जी के बाथरूम में जो लगा है वो आपको दिखाऊंगा। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल, हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशन है ऊपर से नीचे तक, उनका टॉयलेट भी पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है, एयर कंडीशन चलता है उनका पखाना भी, उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। जो केजरीवाल जी शीला दीक्षित के दफ्तर में टॉयलेट में लगे एसी के खर्चे गिना रहे थे, कह रहे थे कि अरे टॉयलेट में एसी लगा दिया जी, उसका बिल कौन देता है, उन्होंने चुपचाप बिना किसी को बताए अपने शीश महल के अंदर भी वॉशरूम में कैसे एसी लगवा रखा है वो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बाथरूम में लगा बाथटब देखिए, पंखा देखिए और ऊपर लगा हुआ एसी भी देखिए। अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित के दफ्तर के बाथरूम में एसी का बिल आम जनता के टैक्स से भरा जाता है इस पर रो रहे होते थे, आज उनके खुद के शीश महल के बाथरूम में आलीशान बाथटब लगा हुआ है, वहां एसी लगा हुआ है। जरा ये तस्वीर यहां डालिए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए और जहां एसी आता है ये देखिए, यहां जूम करके दिखाइए, यहां ऊपर एसी है, ये देखिए ये शानदार बाथटब लगा हुआ है और यहां ऊपर जो एसी लगा हुआ, ये देखिए इसको पॉज कीजिए, ये देखिए यहां पंखा भी लगा हुआ है, उस पंखे की आपको डंडी दिख रही है, एक पंखा दिख रहा है उसका एक पंख दिख रहा है, और ये जो एसी आप देख रहे हैं भाई साहब ये सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है। शीला दीक्षित के दफ्तर में तो 10 एसी लगे होंगे, यहां शीश महल में तो सेंट्रलाइज्ड एसी है, और नहाते वक्त भी किसको एसी की जरूरत पड़ती है भाई, पानी कम ठंडा है क्या जो नहाते वक्त भी ऊपर से एसी की हवा चाहिए? लेकिन केजरीवाल जी के शीश महल में बाथटब भी है, पंखा भी है, एसी भी है, क्योंकि ये शीश महल है और वो चाहते हैं कोई उनसे पलट कर ना पूछे कि सर जी ये क्या है, कोई भावना किशोर उनके पीछे माइक लेकर ना जाए और ना पूछे कि सर ये बाथरूम में एसी क्यों लगाया, आप तो कहते थे कि बाथरूम में एसी नहीं होना चाहिए। और केजरीवाल जी के बाथरूम में बाथ टब लगा हुआ है, बाथ टब जिसमें आराम से लेट कर नहाया जाता है, वैसे ही जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर साबुन के विज्ञापनों में देखा होगा कि हीरोइन बाथ टब में बैठकर नहाते हुए प्रोडक्ट का प्रचार करती है। भाई आम आदमी कौन सा बाथ टब में नहा रहा जी, उसने तो फिल्मों में ही देखा है हीरोइन को नहाते हुए। अब यह बाथ टब लगा है तो लोग मान भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि केजरीवाल जी भी बाथटब में नहाते ही होंगे लगाया है तो, और आप सोचिए आप कहेंगे बाथटब में क्या मजा आता है, बस बाथटब में क्या है, आप जो है वो शानदार झाग कर लीजिए, उसमें साबुन वाबुन डालिए, उसमें झाग हो जाता है, लेट जाइए थोड़ी देर मजे से, उसके बाद आप उससे बाहर निकलते हैं।
तो आम आदमी का मुख्यमंत्री बाथटब में झाग करके नहाता है, और आम आदमी को कौन सा झाग मिलता है? वो यमुना में जो झाग आता है ना, ये देखिए, ये आम आदमी का झाग है। यमुना की गंदगी से जो झाग होता है उसमें आप छठी मैया को जाते हैं अर्घ देने के लिए दिल्ली में, ये झाग साफ नहीं हो पाता। इसी तरह का एक झाग बाथटब में भी आता है, उस बाथटब में जो शीश महल में लगा है अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन वो वाला झाग नुकसान नहीं करता, उससे बॉडी साफ हो जाती है, मजा आता है, राजा टाइप का फील आता है। ये वो झाग है नीचे वाला आम आदमी के लिए, दिल्ली के आम आदमी के लिए, जो यमुना में बनता है और ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन चूंकि आम आदमी बाथटब का झाग कैसा होता है नहीं समझता होगा, तो हमें लगा कि झाग कैसा होता है वो दिखा दे। यमुना वाला झाग जो है इसी को बढ़िया कर दीजिए, बढ़िया साबुन वाला झाग, तो वो बाथटब में होता है, जो बाथटब शीश महल में लगा है। बाथटब के एरिया में आप देखेंगे तो शानदार लाइटिंग भी दिखती है, डिजाइनर पंखा भी है और एसी तो सबने देख लिया। यानी जिन केजरीवाल जी को शीला दीक्षित के घर ऑफिस में लगे एसी से दिक्कत थी, उन्हीं केजरीवाल जी ने मौका मिलते उस जगह पर भी एसी लगवा लिया जहां वो नहाते हैं। आम आदमी से आप अगर पूछोगे तो वो सीधे सीधे कहेगा कि बॉस ये तो अमीरों के चोचले हैं, ठंडा ही होना है गर्मी में तो आदमी नहाता ही इसीलिए है, एसी कौन लगाता है। लेकिन अमीरों के ये चोचले केजरीवाल जी को बहुत अच्छे लगने लगे हैं, आम आदमी के प्रतिनिधि को। और हो सकता है अब अमीरों के चोचलों की जगह पर कहा जाए कि ये केजरीवाल जी के चोचले हैं। अब आपको वो टॉयलेट सीट दिखाता हूं जिसे पूरा देश देखना चाहता था, पूरा देश पूछ रहा था कि केजरीवाल के शीश महल में जो 4-4 लाख के कमोड लगे हैं वो दिखते कैसे होंगे। हमारे जिन सोर्सेज ने ये तस्वीरें दी, उन्होंने ये कमोड की तस्वीर दी और कहा जा रहा है कि यही वो कमोड हैं, लाखों के कमोड जो केजरीवाल जी के शीश महल में लगाए गए। सूत्रों का दावा है कि यही वो कमोड हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं, इसके ऊपर का फ्लैप रिमोट से खुल जाता है, कमोड के पानी के तापमान को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी सर्दी में गर्म पानी आएगा, गर्मी में ठंडा और सामान्य पानी आएगा। इस कमोड में लगे जेट गन से पानी भी अपने आप निकलता है, जिसकी स्पीड को भी रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि अगर यही वो ऑटोमेटिक कमोड है तो बॉस इसमें क्या है, ये तो हमारे घर जैसा ही दिख रहा है। लेकिन दिखना और काम में फर्क है। शीश महल में इस तरह के दो कमोड लगने की बातें हैं कागज के मुताबिक, टेंडर के मुताबिक, जिनकी कुल कीमत 8,55,744 रुपया है। तो देश चाहता था कि दिखाए जाएं वो कमोड जो शीश महल के बाथरूम में लगे हैं, देखिए ये कमोड और सोचिए कि इसमें आपका जो पैसा, टैक्सपेयर का पैसा फ्लश हुआ है वो ऑटोमेटिक हुआ है या हाथ से किया गया होगा। केजरीवाल जी के शीश महल में लगे ऑटोमेटिक कमोड कैसे काम करते हैं उसकी उसका एक सांकेतिक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। इस कमोड को ऑपरेट करने के लिए एक रिमोट होता है, देखिए हाथ में भाई ने किसी ने रिमोट पकड़ रखा है, ये कहीं और का दिखा रहा हूं, इसी तरह से लगभग वो भी काम करता होगा कहा जाता है, जिसका बटन दबाते ही कमोड का फ्लैप अपने आप खुलता है, बटन दबाने से फ्लैप बंद हो जाता है, आप देखिए अंदर पानी फ्लश हो रहा है, कमोड में ही सेंसर लगा हुआ है, रिमोट से ही फ्लश भी ऑपरेट होता है। इस कमोड का सारा सिस्टम रिमोट से चलता है, सिर्फ बटन दबाइए बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। जरा वो इसी का वो हिस्सा दिखाइए जिसमें फ्लैप उठता हुआ दिखता है, वो भी दर्शकों को दिखेगा तो समझ में आएगा कि किस तरह से ये ऑटोमेटिक कमोड वहां काम करता होगा। ये देखिए ये स्मार्ट कमोड है जिसका रिमोट आपको दिखा रहा हूं, अभी वो वाला वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रिमोट दबाइएगा तो अपने आप खुल जाता है। ये इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट कमोड, अब आप समझ जाइए, बहुत लोग देखना चाहते थे कि भाई कैसा होगा वो कमोड, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा दी जो सोर्सेस कह रहे हैं कि वही कमोड है। अब आपको केजरीवाल जी के बेडरूम में लेके चलता हूं, क्योंकि कई लोग ये पूछ रहे हैं, ये देखिए कैसे ऑटोमेटिक खुल गया, कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सवालों के बाद भी केजरीवाल जी को नींद कैसे आती होगी, भावना के साथ जो किया उसके बाद वो सो कैसे पाते होंगे। भाई जब ऐसा भव्य बेडरूम हो तो नींद तो आ ही जाएगी। ये शीश महल का भव्य बेडरूम है, आप इसे देखते रह जाएंगे, ये किसी घर का बेडरूम कम बल्कि किसी होटल का जो स्वीट कहा जाता है वो ज्यादा लग रहा है। ऐसा आलिशान बेडरूम देखकर लगता है कि खास थीम के आधार पर इसे डिजाइन किया गया है। किंग साइज बेड लगा हुआ है जिसमें मखमली कुशन बैक सपोर्ट भी लगा हुआ है,
बेड पर मेमोरी फोम वाले गद्दे फिट लग रहे हैं। मेमोरी फोम बहुत ही हाई क्लास और महंगे गद्दे होते हैं। मेमोरी फोम वाले गद्दों को सबसे आरामदायक माना जाता है क्योंकि सामान्य गद्दे समय के साथ दबने लगते हैं। आम आदमी के घर में तो रूई भरा हुआ गद्दा होता है, उसी को उठाकर कभी कभी ड्राइंग रूम में ले जाता है, वहीं सो जाता है मेहमान आ जाए तो। लेकिन मेमोरी फोम वाले गद्दे हमेशा अपने ओरिजिनल शेप में रहते हैं। अगर इस तरह के गद्दों पर एक कप चाय रखी हो और उसके ठीक बगल में कोई बच्चा कूदे तो कहा जाता है कि चाय गिरने की संभावना ना के बराबर होती है। बेडरूम में बेड के ठीक सामने अल्ट्रा हाई डेफिनेशन लार्ज टीवी लगा हुआ है। इतनी दूरी नहीं है कि छोटे टीवी में जो है वो दिक्कत आती देखने में, लेकिन जब जनता के पैसे से लगना है तो छोटा कुछ लगा ही नहीं। आप दीवार को देखिए कैसे डिजाइनर दीवार बनाई गई है जो छोटे आर्क की तरह दिख रही है। बेडरूम की दीवारों पर नक्काशी है, फॉल सीलिंग है जिस पर ऑटोमेटेड एलईडी लाइट्स लगी हुई दिखती है। बेडरूम के फ्लोर पर वही मार्बल लगा है जो वियतनाम से मंगाया गया था और पर्दा जो आप देख रहे हैं यही 8 लाख का पर्दा बताया जा रहा है। आप कहेंगे यार तो बड़ा सामान्य से लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि यही वो पर्दे हैं जो ऑटोमेटिक खुल जाते हैं इसलिए इनकी कीमत ज्यादा होती है। केजरीवाल का शीश महल 2 मंजिला है और इसमें नीचे से ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां लगी हैं उसे पूरे एरिया को भी खास अंदाज में सजाया गया है। शीश महल की सीढ़ियां काफी चौड़ी और घर के बीचों बीच बनी है और इस तरह का आर्किटेक्चर आपने फिल्मों में देखा होगा। ये देख रहे हैं ऊपर खड़े होकर केजरीवाल जी बोलते होंगे ये कोई चाय दो जी, नीचे वाले को पता नहीं सुनाई भी देता होगा कि नहीं, इतना भव्य और आलिशान है। स्पाइरल शेप की सीढ़ियां बनी होती हैं जैसे फिल्मों में, उसी तरह का कुछ कुछ अंदाज यहां दिख रहा है। महंगा मार्बल लगा है, डेकोरेटिव रेलिंग है, 6 डिजाइनर पेंटिंग भी है जो एक ही थीम पर बनी हुई है। कमाल की बात देखिए, करोड़ों के घर में जो थीम वाली फोटो लगी है वो आम आदमी की फोटो है। सोचिए आम आदमी को पेंटिंग में डालकर केजरीवाल जी शीश महल में रह रहे हैं। एक और चीज अगर आप ध्यान देंगे तो इन डिजाइनर पेंटिंग्स के ऊपर फोकस करने के लिए लाइट्स लगी हुई हैं जिससे रात में भी ये पेंटिंग नजर आती है। देखिए कैसे कैसे आम आदमी की फोटो लगी हुई है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन महल तो शीश महल है। सीढ़ियों के ठीक ऊपर रूफ टॉप पर आपकी नजर जाएगी तो वहां ट्रांसपेरेंट ग्लास सीलिंग लगाई गई जिससे पॉश लुक मिलता है और साथ ही नेचुरल लाइट भी हर वक्त आती रहती है। बारिश होगी तो मौसम का आनंद भी लिया जा सकता है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहां इतनी गर्मी पड़ती हो वहां ऐसी शीशे वाली सीलिंग का क्या मतलब, घर और गर्म होगा। घर और गर्म होगा तो सेंट्रली एयर कंडीशन घर में और एसी चलाना पड़ेगा, और एसी चलेगा तो और बिजली का बिल आएगा। लेकिन जब बिजली का बिल जनता के पैसे से भरा जाना है तो लगाओ फॉल्स शीशे की सीलिंग। शीश महल के एंट्रेंस पर 2 बड़े-बड़े कॉरिडोर भी बनाए गए। ये दोनों कॉरिडोर शीश महल के फ्रंट और लेफ्ट साइड में बनाए गए। यहीं से होकर केजरीवाल जी के शीश महल में एंट्री होती है। इस कॉरिडोर में पंखे और लाइट वाला झूमर भी लगा हुआ है। कॉरिडोर से अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे बनाए गए और दोनों दरवाजों के बीच में बड़ी फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो बनाई गई। इस विंडो के जरिए कमरे के अंदर से बाहर का नजारा लिया जा सकता है। अगर केजरीवाल किसी से बाहर ही मिलना चाहते हैं तो कॉरिडोर में ही आराम से 10-15 लोगों के बैठने का इंतजाम हो सकता है। लेकिन कॉरिडोर भी देखिए क्या भव्य कॉरिडोर है, ऐसा लग रहा है किसी 5-स्टार होटल में एंट्री हो रही है। शीश महल के हॉल की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। शीश महल में विशालकाय हॉल बनाए गए, इसमें महंगे फर्नीचर रखे हुए हैं, शानदार झूमर लगा हुआ है, सीलिंग की डिजाइन की गई है जिसके बीच में पंखा लगा है और दोनों तरफ एसी फिट है, स्मार्ट लाइटिंग हर जगह है, दीवारों पर कलाकृतियां रखने के लिए लकड़ी का शानदार कैबिनेट बनाया गया है और कैबिनेट में कई खांचे बने हुए हैं जिनमें सजावटी चीजें रखी जा सकती है। यानी एक एक चीज एक एक तस्वीर ऐसी है कि देखकर दिल करे यह है भगवान, एक दिन के लिए ही सही लेकिन मुख्यमंत्री बना दो कि आदमी दिल्ली के शीश महल में रह ले। अब आपको केजरीवाल जी के शीश महल में लगे हुए लाखों के पर्दे दिखाता हूं जिनकी तस्वीर पहली बार आप इतने करीब से देखेंगे। केजरीवाल के शीश महल में 23 ऐसे पर्दे लगने की बात है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। बेडरूम हो, हॉल हो या फिर कोई दूसरा कमरा, हर जगह यही पर्दे लगे हुए हैं। अरे बॉस जब कमोड ही रिमोट से चलने वाला लगा दिया, वहां मेहनत नहीं करनी है तो पर्दा हटाने की मेहनत कौन करेगा, वो तो ऑटोमेटिक लगना ही था। शीश महल में लगा सबसे सस्ता पर्दा भी 3,57,000 रुपए का है कागज के मुताबिक,
और सबसे महंगा पर्दा 7,94,000 रुपए का। केजरीवाल के शीश महल में लगे कुल 23 पर्दों की कीमत 97,23,000 रुपए, और हमारे और आपके घरों में लगे पर्दों को हाथ से हटाना पड़ता है। शीश महल में लगे पर्दे रिमोट से ऑपरेट होते हैं। भाई आपको मैंने पहले भी दिखाया, किचन का दरवाजा रिमोट से खुलता है, कमरे में जाइए दरवाजा रिमोट से खुलता है, कमोड रिमोट से चल रहा है, तो पर्दा भी तो रिमोट वाला ही ना होगा जी। क्या आप लोग भी बात सोच लेते हैं? रिमोट का बटन दबाइए, पर्दा झक से खुल जाता है। लेकिन हमने जो राज खोला वो बिना रिमोट वाले पर्दे के खोल दिया। अब शीश महल सबको दिख रहा है, सर जी का सच सबको दिख रहा है। शीश महल के हर कमरे की थीम अलग है, हर वॉशरूम में अलग वैरायटी है, यहां तक कि हॉल भी अलग डिजाइन और कलर थीम पर बने। यानी शीश महल में किसी रंग या डिजाइन को देखकर बोरियत नहीं होगी। शीश महल की एक और वैरायटी के बारे में आपको बताता हूं, जिस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। शीश महल के हर कमरे और हॉल में अलग डिजाइन के झूमर लगे हुए हैं। आर्किटेक्चर से प्रभावित होते हुए, मुगल आर्किटेक्चर से झूमर आधुनिक डिजाइन के बनाकर लगाए गए, तो कोई झूमर मॉडर्न आर्ट डिजाइन वाला है। ये सारे झूमर कमरों की थीम को ध्यान में रखकर लगाए गए। शीश महल में जो दूसरे कमरे बने हुए हैं उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। इन कमरों में भी आपको शाही लुक नजर आता है। यह कमरा शीश महल के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, इसमें बैल्कनी भी अटैच है जो काफी बड़ी है। कमरे में वार्डरोब भी बना हुआ है, फॉल सीलिंग, एसी, झूमर, शानदार लाइटिंग सब इस कमरे में लगा हुआ है। इन कमरों में बड़े और महंगे टीवी लगाए गए। टीवी कैबिनेट के ठीक पीछे की दीवार पर अलग डिजाइन बनाई गई है जो कमरे की थीम से मैच कर रही है। टीवी के बगल में ही आर्टिफैक्ट रखने के लिए वर्टिकल कैबिनेट बनाया गया है जिसमें लाइट लगाई गई है। मन गदगद हो जाए भाई, ऐसा शीश महल मिले तो। केजरीवाल के शीश महल में जो किचन बनाया गया है, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जो शीश महल है वही व्हाइट हाउस जैसा नहीं दिखता। किचन जहां इतनी गंदगी होती है वहां भी सब कुछ व्हाइट लगाया गया। अरे भाई, जब इतने हेल्पर होंगे साफ सफाई के लिए तो क्या ही दिक्कत है, व्हाइट लगाओ। ये कोई आम डिजाइन का किचन नहीं है। इस तरह के किचन के डिजाइन को आइलैंड किचन कहा जाता है, जिसमें बीच में देख रहे हैं, बीच में जो है वो चूल्हा लगा हुआ है। भारत में इस तरह के किचन के डिजाइन कम इसलिए दिखते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत जगह चाहिए होती है। यहां आदमी जो है खड़े होकर वहीं बर्तन धो रहा है, वहीं रोटी सेक रहा है, हिसाब चलता है। इतना बड़ा किचन आम आदमी के घर में होता है। चिमनी देखिए कितनी जबरदस्त लगी है, ऐसी झगाझग चिमनी देखकर जो धुआं है वो खुद खींचा चला जाए कि हे चिमनी मुझे खींच लो तुम। शीश महल के किचन में वुडन फ्लोरिंग की गई और जो कागजों में लिखा है उसके मुताबिक वुडन फ्लोरिंग पर ही इस घर में 98,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। कुकिंग प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है वो देखिए, दोनों तरफ से लोग खड़े होकर कुकिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बगल बगल खड़े होकर चला रहे हैं और बात करनी है तो एक चला रहा है, सामने वाला सामने से बात कर रहा है। हमने तो मॉड्यूलर किचन के बारे में सुना था, लेकिन सरजी का किचन तो सुपर लग्जरियस निकला। दीवारों पर खाने पीने का सामान रखने के लिए शानदार डिजाइनर कैबिनेट बना हुआ है, माइक्रोवेव और डबल डोर फ्रिज भी रखा हुआ है। और सरजी के घर में एक नहीं दो किचन है। इस किचन में खाना बनाते समय गर्मी ना लगे और पसीना नहीं निकल आए इसके लिए एसी भी लगा हुआ है। जब बाथरूम में एसी लगा दिए तो किचन में कौन नहीं लगाएगा। अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले की तस्वीरें बोल रही हैं कि उनका घर शीश महल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप है। वो अब भी सवालों से भाग रहे हैं क्योंकि शायद उनके पास कोई जवाब नहीं। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी की एक मीटिंग में भी टाइम्स नाउ नव भारत पर चले ऑपरेशन शीश महल का मुद्दा उठा, शीश महल का मुद्दा उठा, लेकिन अरविंद केजरीवाल आरोपों को सुनते रहे, एक शब्द नहीं बोले और कुछ देर में ही मीटिंग छोड़कर चले गए। एक बार देखिए मीटिंग में शीश महल का मुद्दा उठा तो क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, एक कहानी हमने आपकी सुनी, एक कहानी मैं भी सुनाना चाहता हूं आपको। एक ढोंगी राजा था, एक ढोंगी राजा था, ढोंगी राजा ने केजरीवाल जी उठे और चल दिए।
अरविंद केजरीवाल कब तक सवालों से भागते रहेंगे इसका जवाब नहीं मिल रहा। शीश महल की एक एक तस्वीर उनका पीछा करती रहेगी।